हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। आज हम एड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो एड्स मींस एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका जो फर्स्ट केस है वो 1981 में यूएसए न्यूयॉर्क में मिला था, बट इंडिया में ये वायरस 1986 में चेन्नई में मिला था। सो इस फुल फॉर्म में सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब कि काफ़ी सारे सिम्टम्स एक साथ शो होने लगते हैं, जैसे कि डायरिया के, अनीमिया के, निमोनिया के। काफ़ी सारे सिम्टम्स जब एक साथ शो होने लगेंगे तब हम उसे कहते हैं ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एड्स का कॉजेटिव एजेंट एचआईवी है, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एचआईवी वायरस रेट्रोवायरस ग्रुप का ही एक मेंबर है। इट मीन्स इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। यूजुअली ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, बट इस डिजीज़ में आरएनए से वायरल डीएनए का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ होता है। ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी अकर्स थ्रू फॉलोइंग वेज। ए, बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। बी, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड। सी, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स। डी, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड। देयर इज ऑलवेज टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स दैट मे वेरी फ्रॉम 5 to 10 ईयर्स। इट मीन्स आफ्टर इन्फेक्शन सिम्टम्स को शो होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, इवन कभी कभी तो 5 to 10 ईयर्स भी लग सकते हैं एड्स के सिम्टम्स को शो होने में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ एचआईवी कॉज इन्फेक्शन। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ अ पर्सन द वायरस एंटर्स इन मैक्रोफेजेस। किसी पर्सन की बॉडी में जाने के बाद सबसे पहले ये वायरस मैक्रोफेजेस में एंटर करता है। मैक्रोफेजेस फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो कि हार्मफुल पैथोजेंस को किल करती हैं। सो ये वायरस बॉडी में एंटर करते ही सबसे पहले ही मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट कर देता है। हेयर आरएनए इज रेप्लिकेटेड टू फॉर्म वायरल डीएनए बाय एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो यहाँ पर आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से वायरल डीएनए का फॉर्मेशन करता है। द वायरल डीएनए नाउ गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल्स डीएनए एंड डायरेक्ट्स द इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोड्यूस वायरसेस। सो यहाँ पे जो वायरल डीएनए है वो होस्ट डीएनए यानी कि जो उस पर्सन के डीएनए के साथ जुड़ जाता है और इन्फेक्टेड सेल्स को डायरेक्ट करता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल पार्टिकल्स प्रोड्यूस करे। इसीलिए मैक्रोफेजेस को एचआईवी फैक्ट्री भी कहा जाता है। द मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स एंटर इन टी लिम्फोसाइट्स इन द ब्लड वेयर दे कंटिन्यू टू रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस वायरल प्रोजेनीज। सो ये मैक्रोफेजेस कंटिन्यूसली वायरल पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर ये टी लिम्फोसाइट्स में एंटर करते हैं, यहाँ पे भी एक इन्फेक्शन कॉज करते हैं और रेप्लिकेशन के थ्रू वायरल प्रोजेनीज प्रोड्यूस करते हैं। थस द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस इन द बॉडी ऑफ अ इन्फेक्टेड पर्सन। सो जो हेल्पर टी सेल्स हैं बॉडी में उनके जो नंबर हैं वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होने लगेंगे। With the decrease in number of T cells, the immunity also decreases. The person is unable to produce any immune response even against common bacteria like mycobacterium, parasites, viruses and fungi. So helper T cells की number decrease होने से ही body की जो immunity है वो भी decrease होने लगेगी। सो उस पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, इवन वो कॉमन बैक्टीरियल डिजीजेस के अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं कर पाएगा। सो अब हम डायग्राम से समझते हैं कि ये इन्फेक्शन कैसे कॉज करते हैं। सो रेट्रोवायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को वायरल प्रोटीन कोट में कवर करके रखता है। वायरस इन्फेक्ट्स नॉर्मल सेल, फिर सबसे पहले ये
नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा और इसका जेनेटिक मटेरियल जो कि आरएनए है वो सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। देन वायरल आरएनए से वायरल डीएनए प्रोड्यूस होगा बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये वायरल डीएनए होस्ट जीनोम में एंटर करेगा। अब ये होस्ट जीनोम को डायरेक्ट करेगा न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस करने के लिए। न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस होते ही ये न्यू वायरसेस प्रोड्यूस होने लगेंगे जो कि अदर सेल्स को इन्फेक्ट करता है। नाउ डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एंड एलिसा टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस एचआईवी व्हिच कॉजेज एड्स। एचआईवी की डायग्नोसिस के लिए एलिसा टेस्ट का यूज किया जाता है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एड्स बट दीज ड्रग्स कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, दे ओनली प्रोलॉन्ग्ड लाइफ स्पैन ऑफ पेशेंट। एड्स के ट्रीटमेंट के लिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का यूज़ किया जाता है बट ये ड्रग्स डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकते, ये सिर्फ पेशेंट की लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर देते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एड्स। डोंट शेयर नीडल्स और सिरिंजेस, कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज, एजुकेटिंग पीपल अबाउट एड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।